हेलो फ्रेंड्स, देसी रसोड़े में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी तवे पे हांडवा किस तरह से बनाना है। बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी और क्रंची बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। मैंने एक कटोरी दही लिया है, इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अब इसमें डालेंगे चावल का आटा, मूंग दाल, मसूर दाल, सब मिक्स आटा हमने पीस लिया है बारीक। आप भिगो के भी पीस सकते हैं या फिर पहले भी पीस सकते हैं आटा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। चावल की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रखनी है, दालें थोड़ी थोड़ी ले एक एक चम्मच। उड़द की दाल को भी मिक्स किया है, चने की दाल। अभी इसको ढक्कन लगा के 1 घंटे के लिए रख देते हैं। हम इसको 2 बार बनाएंगे, इसलिए मैंने इसमें से आधा निकाल दिया है। अब इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, हींग, और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार डालना है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और आप इसमें चाहे तो बहुत सारी वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी डालना है सब्जी डाल सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगेगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम तवे को गरम करके उसमें 1 चम्मच ऑयल डालना है। जब हमारा तेल गरम हो जाए तब इसमें डालेंगे राई जीरा और थोड़ा सा इसमें हम धनिया मिक्स कर लेते हैं। राई जीरा चटकने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। आपके साथ तिल हो तो तिल भी डाल सकते हैं। अब इस घोल को इसके ऊपर डालना है और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से फैला लेना है। और इसको हम ढक्कन लगा के एकदम स्लो आंच पे 5 या 6 मिनट के लिए पकने देना है। एकदम स्लो करना है, हल्का सा भी, मीडियम वैसे नहीं करना है। स्लो आंच पे 5 मिनट हो गए हैं, हम इसको पलट के देखेंगे। ये देखिए हमारा कितना क्रंची बना है और कितना कलर अच्छा ब्राउन आया है। और इसको फिर से ढक्कन लगा के 5 मिनट और पकाना है। ये दोनों साइड में देखिए इस तरह से पकेगा। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं थाली में। और इसको हम कट करते हैं इस तरह से पीसेज में। हम इसको सॉस, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी लगता है। चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरा वीडियो आगे से आगे फॉरवर्ड करना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। थैंक यू।